एक तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस जनता की सेवा में तत्पर रहने का विश्वास देती है, वहीं पुलिस आम लोगों पर जमकर कहर भी बरसा रही है। ताजा मामला है मथुरा जिले का। मथुरा जिले के थाना शेरगढ़ के गांव जंघावली का, जहां पर थाना शेरगढ़ में तैनात दरोगा अर्जुन राठी की शिकायत करना पीड़ित मूसा हाजी को महंगा पड़ गया। दरअसल पीड़ित मूसा हाजी ने दरोगा की शिकायत एसएसपी मथुरा से दो दिन पहले की थी, जिसके बाद एसएसपी ने दरोगा साहब का स्थानांतरण कर दिया। लेकिन ये बात दरोगा जी को रास नहीं आई और बीती रात शेरगढ़ पुलिस ने पीड़ित के घर पर तांडव मचा दिया। पूरे घर की तलाशी ली गई। सब कुछ छानबीन करने के बाद पुलिस को जब वहां कुछ नहीं मिला तो गुस्साए पुलिस कर्मियों ने अपनी ताकत बेकसूर महिलाओं पर दिखाई। ये पूरा मामला घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिर इन पुलिस कर्मियों पर प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है। सुरेश सैनी हमारे संवाददाता जुड़े हैं। सुरेश सैनी, जो तस्वीर सामने आ रही है, सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है और जो खबर सामने आ रही है कि एक पीड़ित शिकायत करता है लेकिन उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उसके घर में तोड़फोड़ की जाती है, पूरा मामला क्या है? जी, मैं आपको बता दूं कि मामला मथुरा के थाना शेरगढ़ का है, जहां पर जंगावली गांव में एक परिवार रहता है और उस परिवार की एक महिला के द्वारा पुलिस के जो एक वहां पे दरोगा थे स्थानीय पुलिस के, उसने उसके खिलाफ जो है मथुरा के एसएसपी में शिकायत की थी और उस शिकायत को लेकर के पुलिस की कार्रवाई हुई। एसएसपी ने उनको ट्रांसफर कर दिया। इसी को लेकर के जो स्थानीय पुलिस थी उसको जो नाराज हुई और नाराजगी इस तरह से उसने व्यक्त की, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, कि रात के अंधेरे में जाकर के बड़ी संख्या में पुलिस वाले जंगावली गांव की रहने वाली मूसा सिंह के घर पे जाके जो है तलाशी अभियान चलाते हैं और जब उन्हें वहाँ उसके घर में खुदाई करते हैं, जब उन्हें वहाँ कोई भी संदिग्ध या वैसी चीज नहीं मिलती है, जिस तरह का पीड़ित द्वारा बताया जा रहा है कि उसके साथ मारपीट की जाती है, जिसका एक सीसीटीवी में वीडियो भी है कि उसमें एक पुलिसकर्मी जो है महिला में डंडे मार रहा है, तो जिसका वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो गया, तो इससे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पुलिस जो है वो किस तरह से अपनी एक कहे तो भड़ास ये निकाल रही है कि पुलिस को शिकायत करना पुलिसकर्मियों को कितना नागवार गज रहा कि वरिष्ठ अधिकारियों से उस महिला ने उनकी शिकायत कर दी और उस शिकायत के बाद उस दरोगा पर कार्रवाई हुई और कार्रवाई होने के बाद उस पर इस तरह का अब जो है ये पुलिस वालों का तांडव उसके घर पे देखने को मिला है कि उसको आधी रात में महिला के साथ मारपीट की जाती है। जिस तरह से पुरुष का कहना है कि यहाँ पे महिला के साथ मारपीट की गई, उसके घर में खुदाई की गई और उनके साथ बदतमीजी की गई, तो ये एक तरह से देखा जाए तो पुलिस का एक वो चेहरा। सुरेश, अगर बात की जाए जो पुलिस वाले दिख रहे हैं इस कैमरे में और बहुत सारे पुलिस वाले वो तलाशी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, क्या ये बात और इसकी शिकायत मथुरा डीएम तक पहुंची है? जी, मथुरा एसएसपी तक, क्योंकि ये महिला जो है वो दो दिन पहले ही, जिस तरह से बताया जा रहा है कि दो दिन पहले ही ये जो महिला है वो एसएसपी से इन पुलिस वालों की शिकायत करके आई थी, जो वहां दरोगा थे जिनका एसएसपी ने अभी दो दिन पहले ट्रांसफर कर दिया वहां से और अन्यत्र कहीं चौकी पे जो है वो तैनात किया है। उसी बात तो सुरेश, हम कह सकते हैं कि पुलिस, जब पुलिस के पास शिकायत होती है उनके खिलाफ ही, तो किस तरीके की वो करतूत करते हैं ये सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और जो हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं सुरेश सैनी, उसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि पुलिस का ये रवैया कितना सही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश हमारे साथ जुड़ने के लिए।